मैं आपके सामने पढ़ूंगा मिशाया उसका 40वां अध्याय उसका 1 पद से लेके 11 पद। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति यरूशलम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे धर्म को दृढ़ अंगीकार किया गया है, यहोवा के हाथ से तू अपने पापों का दुना दंड पा चुका है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो, हर एक तराई भर दी जाए और एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए, तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप भी ऐसा कहा है, बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर, मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं, सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है, अब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, निसंदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, हे यरूशलम को शुभ समाचार सुनाने वाली ऊंचे बहुत ऊंचे सबसे सुना ऊंचे सबसे सुना मत डर, यहूदा के नगरों से कह अपने परमेश्वर को देखो, देखो प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने उज्ज्वल से प्रभुता करेगा, देखो जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है, वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा और भेड़ों के बच्चों को अगुवार के लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे से ले चलेगा। पवित्र वचन परमेश्वर का धन्यवाद।